मेरा वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। जो भी पढ़ाई हुआ है वो सारा इंडियन पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के बारे में पढ़ाई हुआ था, लेकिन हम इस वीडियो में थोड़ा कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर देते हैं, एमसीक्यू रिलेटेड इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। मैं मेरा पेन ले लेता हूँ, आपको एक्सप्लेनेशन करने में ईजी भी रहेगा। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। हम इस वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बातचीत करेंगे। पहला है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो सारा इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे, विच आर द फॉलोइंग इज और आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन फ्यूडल सिस्टम एंड नॉन इंडिपेंडेंट सिस्टम, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन राइट है। अगर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करें तो तीनों का तीनों पॉइंट ठीक है, ऑल द एबो ऑप्शंस आर राइट। व्हाई यू कैन सी हियर, क्यों आप देख सकते हैं, इसीलिए हम एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दे चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन विल क्लियरली डिफाइन द पावर ऑफ पार्लियामेंट विच विल ओनली रिड्यूस द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, सो ऑप्शन वन इज करेक्ट। अगर फ्लेक्सिबल के बारे में बात करें तो वो भी करेक्ट है, जो कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी फॉलो करता है, गाइड करता है। तीसरा है इन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, इफ जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट इट कैन रिस्ट्रिक्ट द लीगेशन ऑफ पार्लियामेंट विच रिड्यूस पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, सो ऑप्शन थ्री भी करेक्ट ऑप्शन है। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्या है, कब ये लागू हुआ है, उसका इंट्रेंसिक फ्यूचर क्या क्या है, इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इज मीन्स द पार्लियामेंट हैज सुप्रीम पावर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है कि वो सुप्रीम पावर है। सो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इज ओनली पॉसिबल व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन और फ्लेक्सिबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको अंडरलाइन भी कर चुका हूँ, सो आप नोट कर लीजिए। तीसरा है साइलेंट फीचर्स, क्या क्या है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का साइलेंट फीचर्स। द कंडीशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इज दैट द कंडीशन मस्ट अनरिटन एंड फ्लेक्सिबल, जो भी पढ़ चुके हैं। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी देर इज नो डिस्ट्रिक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में डिस्टिंक्शन नहीं है, जो कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी में है। देर इज नो जुडिशियल रिव्यू, देर इज नो अथॉरिटी कोर्ट फॉर और ब्रांच विच कैन डिक्लेयर एनी लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट्री वॉइड और लीगल, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देर इज नो लॉ विच पार्लियामेंट मॉडिफाइज और चेंजेस, पार्लियामेंट इज लेजिस्लेचर ऑफ कंट्री एंड एक्सरसाइज अल्टीमेट पावर इन मेकिंग और मॉडिफाइंग द लॉ, ठीक है, लॉ को मॉडिफाई भी कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है। सो एग्जाम्पल है यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, न्यूजीलैंड, कोई पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी फॉलो करता है, ठीक है। और अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यही दर्ज कर रहा हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी ओवर द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट कैन एक्सरसाइज इट्स फंक्शन बीइंग ओनली विद इन द बाउंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका मतलब है कि अगर एक एरिया है, एरिया के बाहर अगर बॉल आ गया तो क्या बोलते हैं, सिक्स बोलते हैं या फिर फोर बोलते हैं। इसी दौरान अगर कॉन्स्टिट्यूशन बाउंडेड है, वही इसको बोलते हैं सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, जो कि बाउंडेड है सर्टेन एरिया में, ठीक है। उसका साइलेंट फीचर यही है कि द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिटन, ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं है, फिक्स्ड है, बाउंडेड है, सर्टेन एरिया में बाउंडेड है, ठीक है। हाँ कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यही है कि द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिजिड एंड मेंटेन प्रोसीजर इन कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, देर हैज डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डिनरी लॉ, पार्लियामेंट इज अ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशन इट सेल्फ, द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी इज अ जुडिशियल रिव्यू,
जो कि सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी इज जुडिशियल रिव्यू, लेकिन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इज नॉट ए जुडिशियल रिव्यू। वही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कीजिए। कौन कौन सा कंट्री इसमें आएगा? पहला है बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान एंड यूएसए। ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी फॉलो करता है, नहीं तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी कौन फॉलो करता है? न्यूजीलैंड। ठीक है, धन्यवाद।